सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि एक तो मेरी तबीयत खराब चल रही है, दूसरे मेरे बेटे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मार्च के एंड तक उसके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, तब तक मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी, इसके लिए सॉरी। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती का नेक डिज़ाइन बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। तो ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम एक निशान 4.5 इंच पर या 5 इंच पर लगाएंगे और अगर आप हेल्दी हैं तो ये निशान आप 5.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो ये निशान मैं 4.5 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम 3 इंच का निशान यहाँ पर भी लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद सबसे पहले हम इसको गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद करीब 1.25 इंच पर हम पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम करीब 0.5 इंच पर इसी तरह से एक निशान और लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम फिर एक निशान और लगाएंगे। 1.25 इंच पर भी ये निशान लगा सकते हैं और 1 इंच पर भी ये निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम इनकी कटिंग कर देते हैं। देखिए ये मैंने 3 निशान लगवाए थे तो हमें इस तरह से कटिंग करनी है। और देखिए जो हमारी बीच की पट्टी है इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारा ऊपर ये हिस्सा आएगा और नीचे आएगा ये आएगा और बीच में हमें इसके एक डिज़ाइन बनाना है। देखिए ये सबसे नीचे वाली पट्टी है और ये सबसे ऊपर वाली पट्टी है और ये जो बीच की पट्टी है इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें एक तरफ रख देना है और जो ऊपर वाली पट्टी है उसके ऊपर हमें डबल कपड़ा चाहिए, यानी हमें इसमें डबल कपड़ा लगाना है। तो ये मैंने प्रेस से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है इसको। लेकिन अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाले नहीं है तो आप बिल्कुल सीधे इस तरह से रखिए और यहाँ पर एक सिलाई लगा दीजिए। और जो सबसे नीचे वाली पट्टी है इसमें हमें सिंगल कपड़ा चाहिए और इसको भी मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले हम अपनी सबसे नीचे वाली पट्टी तैयार करते हैं। प्रेस से पेस्ट करने के बाद हम इसको नीचे की साइड से थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग करते हैं। इसके बाद हम इसको अंदर को इस तरह से मोड़ते हुए हम किनारे से थोड़ा सा हटकर इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं, उसमें भी बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। इसके बाद ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। बीच में सिलाई लगाने के बाद
हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देते हैं। चारों तरफ से कटिंग करने के बाद हम इसके बीच में छोटे छोटे से कट लगाएंगे। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले इसके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम ये ऊपर वाली पट्टी तैयार करते हैं। मैंने आपको बताया था मैंने इसमें डबल कपड़ा लिया हुआ है और सबसे पहले हम बुकरम के बराबर में ऊपर की साइड एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बुकरम के बराबर में सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम पहले इसको थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम ऊपर की साइड से भी थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें भी बीच बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। पलट कर प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर भी किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप पहले इसको देखिए, यहाँ से पहले हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर बिल्कुल इतनी ही दूरी पर इधर से भी ऐसे फोल्ड करेंगे। इनको हम बराबर ऐसे फोल्ड करके, या तो आप पहले इसके ऊपर कच्चा कर लीजिए और नहीं तो आप इसको पहले ऐसे मोड़िए और इसको आप फैब्रिक ग्लू से इसको एक साइड से पहले चिपका लीजिए। एक साइड से इसको पेस्ट करने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं बिल्कुल इसके बराबर, और यहाँ पर इसके किनारे पर हम पूरे गले के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए ऊपर की गले की पट्टी हमें इस तरह से तैयार करनी है। इसके बाद हमें दो डोरी बनानी है और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम सेम कलर का सुई में डबल धागा लेते हैं और इन दोनों डोरियों को आपस में यहाँ से टाके लगा के जोड़ लेते हैं। यहाँ से जोड़ने के बाद हम डोरी के बीच में से ही सुई निकालते हैं और उसको करीब आधा इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इतनी दूरी पर हम निकालेंगे। और इसके बाद हम इसको दूसरी साइड की डोरी को इस तरह से पलटते हैं और इनको यहाँ पर हम आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ से जोड़ने के बाद हम इसको फिर इस तरह से डोरी को पलटते हैं इतनी ही दूरी पर और फिर डोरी के बीच में से हम यहीं पर इस सुई को निकालते हैं।
और फिर इन्हें भी हम इसी तरह से आपस में जोड़ लेते हैं। और देखिए इसी तरह से ऐसे पलटते जाना है और इनको जोड़ते जाना है। देखिए डोरी पर इस तरह का डिज़ाइन बनाने के बाद हम सुई में सेम कलर का डबल धागा लेते हैं और ये देखिए पहले हम इसको नीचे वाले हिस्से में जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ से हमें रखना है और ये जो हमारा डिज़ाइन है इसके बीच में से हमें यहाँ से दो तीन बार इसको पक्का कर देना है। फिर इसी तरह से अब हम यहाँ पर ये सुई निकालते हैं, यहाँ पर बीच में इस डिज़ाइन के बीच में हम सुई निकालेंगे और इसको यहाँ से भी हम डोरी में जोड़ते हुए दो तीन टाँके लगाएंगे और इसको पक्का कर देंगे। सेम तरीके से फिर हम यहाँ पर करेंगे, तो पहले हम इसको एक साइड से इसी तरह से जोड़ लेंगे। देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप उल्टी साइड से इसको लगा सकते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे इस तरह से आप टाँके निकालिए और जब हम इस डिज़ाइन के बिल्कुल बीच में आ जाएंगे तब हम बाहर की साइड से सुई निकालते हैं। और इनको आपस में इसी तरीके से जोड़ देते हैं। इसके बाद हम अपने गले की ऊपर वाली पट्टी लेते हैं और सेम तरीके से हम इसको भी इसमें जोड़ते जाएंगे। और जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको थोड़ा सा हम इतनी दूरी पर जोड़ेंगे कि हमारे डिज़ाइन इस तरह से बन जाए। देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि जैसे हमारा यहाँ से गला सिंपल है आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है। देखिए मैंने ये थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, मैं आपको बना के बता रही हूँ। हमारे पास ये डोरी है जो हम गले में पीछे लगाते हैं, ये हमें मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। इस डोरी से इसको हमें, ये जो हमारा डिज़ाइन है बीच में से, इसको हमें इस तरह से बांध देना है। हम दोनों साइड से इसको ऐसे निकालते रहेंगे और निकालने के बाद यहाँ से हम इसको टाइट करके पहले सील देंगे। देखिए इसके धागे निकलते हैं इसलिए हमें इसके ऊपर धागा भी लपेटना है। हम सुई में डबल धागा लेंगे, पहले हम इसको दो तीन बार यहाँ से सीलते हैं, फिर इसके ऊपर हम कई बार धागा लपेट देंगे ताकि इसके धागे ना निकले। और इसको हम यहां से पक्का कर देंगे दो तीन बार। और यहां से हम इसको काट देंगे और इसी तरह से हमें बीच बीच में से पूरे डिज़ाइन को बांधना है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से इस तरीके से भी रख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर आप ये इस हिस्से पर आप तुरपाई कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें
और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। One.